आपकी प्यारी सी प्यारी सी रानी जिंदगी को आपके हवाले करती है। और कहां से आए वो अंगार जिन्होंने डल झील की बर्फ सी जमी चिड़ैया की जिंदगी को पिघला कर पाप में उड़ा दिया। कश्मीर का जर्रा जर्रा उस दिन मेरे साथ रोया था। और क्या कहूँ उस ममता का जो बेचारी अपने दोनों बाजू में कटाकर अपने ही खून में लथपथ दम तोड़ गई थी। उस बेचारी ने अपनी नीरा को सफेद कपड़ों में मोगरे के फूल खरीदा किया। उसे क्या पता था कि ये सफेद पंखुड़िया नोच नोच कर लहू में भिगो कर सुर्ख गुलाब से वापस लौटेंगे। जो मजहब दिलों को पत्थर का बना देता है,
देखेगा मुंदर इंदौर ने अच्छा किया शायद मैं अपना प्यार और अपनी बेटी को आग के हवाले न कर पाता मैं मेरे पूरे परिवार को आग लगा दी और इतने पर भी बस नहीं किया मेरे माथे में किलट हो मुझे वही अधमरा छोड़ गए वही अधमरा छोड़ गए क्या तीन बार ईमान लाने के बाद भी आदमी हैवान हो सकता है या अल्लाह चले जाने ही काम का इन हैवानों का अरे ये कैसा ईमान है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुद सवाब हासिल करता है इन दरिंदों को जन्म देने वाली माँ भी अपनी कोख को कोस रही होगी चाची चाची वो बनने वाली बंटी मन जो आप थी वो दंगा मिलाने की साजिश थी और पता नहीं वो कौन लोग थे जिन्होंने मंदिर के आगे गाय और मस्जिद के आगे सुअर काट कर फेंक दिया जो उन्हीं शैतानों की लगाई आगे पर चाची अब हम भागना होगा चारों तरफ से दंगाइयों की भीड़ आ रही है अरे अरे रुको चाची अब रुकना रुकना नहीं आप इसी तरह से बंद कर लीजिए मैं तो चला अरे रुको कहां भाग रहे हो अपना इस मर्ज का इलाज चाहिए और कब तक भागोगे अरे ये भी भागा था इससे ज्यादा भाग लोगे दरवाजे बंद करने से अंधेरा घर में नहीं आएगा इसका सोचना भी मत उठो बाहर निकलो मुझे हटानो इस दरिंदगी के अंधेरे को मिटाना है तो अपने मजहबी कोल से बाहर निकल बशारे लेकर निकलना होगा क्या तुम सबने चूड़ियां पहन रखी है कितनी छायाएं रातों को फिरती आवाज आग जले को तूफान बसा फिर भी कोई आवाज जान लिया चुपके से झिला कुछ ऐसा आया भूचाल खिड़की दरवाजे लेकिन घबराए फिर भी कोई आवाज नहीं